दोस्तों आज आपको भारत की पंचवर्षीय योजना ट्रिक के माध्यम से पूरी बताने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं वो चाहे कोई भी एग्जाम हो तो आपसे इस वीडियो के बाद आज से जितनी भी पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करते हैं इसका मतलब है आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लगातार देखते रहिए। चलिए भारत की पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजना का काम क्या पड़ा कि हमको भारत की पंचवर्षीय योजना बनानी पड़ी। तो दोस्तों भारत की पंचवर्षीय योजना जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो वहां पर हमारे भारतीय संविधान में ये जो योजना आयोग है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। तो दोस्तों ये प्लानिंग कमीशन जो होता है यही हमारी योजना आयोग जो होता है, प्लानिंग कमीशन होता है, वही पंचवर्षीय योजना को बनाता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग क्या हमारे भारतीय संविधान में है, तो नहीं दोस्तों, ये योजना आयोग हमारा भारत के मतलब संविधान लिखने के बाद बनाया गया था। तो आपका जवाब क्या होगा कि योजना आयोग एक हमारी गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग हमारी एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, तो ये हमारा स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को स्थापना की गई थी। दोस्तों अब योजना आयोग को हटा दिया गया है और इसकी जगह हमारा नीति आयोग आ गया है जो वन ईयर प्लानिंग करता है और हमारे पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई है। तो दोस्तों इसकी डेट याद रखना है, योजना आयोग 15 मार्च 1950 और इसकी अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसको जो चेंज हो गया है नीति आयोग और उसके भी अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे। अब आता है दोस्तों कि जो पंचवर्षीय योजना बना के तो दे दिया गया, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। तो दोस्तों बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से आई थी और 1951 से किस डेट को आई थी, तो वो आएगी हमारी जो भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 1951 को भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। पर दोस्तों हुआ यहाँ पर ऐसा कि जो 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना तो लागू कर दिया, बट इसका निरीक्षण करने वाला कोई नहीं था, इस कारण ये पंचवर्षीय योजना फ्लॉप होने जा रही थी। इसी बीच में क्या हुआ, एक आयोग के गठन किया गया जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसे बोलते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी हमारी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुई थी इसकी स्थापना। तो दोस्तों ये हमारे हैं योजना आयोग से कुछ जो क्वेश्चन बाहर से, यानी योजना आयोग कैसी संस्था है, ये हमारी गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक संस्था है, स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, इसकी जो हमारी पहली भारत की पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी वो 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई थी। अब हमारा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना बन के जा जाती है उसकी अंतिम स्वीकृति कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये हमारा पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा है, चाहे रेलवे का हो या किसी भी, कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृत कौन देता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है और स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। तो अब दोस्तों हमको ट्रिक से देखना है कि हमारी ट्रिक क्या है, कैसे हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, कौन सी ईस्वी है और किस मॉडल पर आधारित है और किस पर विश्वास, किस पर हमारा जोर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हमारी पहली पंचवर्षीय योजना है तो इसको डेट रटना नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बस देखना है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल। तो पहली हमें स्टार्ट कब हुई थी, 1951 से स्टार्ट हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना,
1951 से 5 साल जोड़ेंगे कितना आएगा, 1956 आएगा। फिर 5 साल जोड़ो तो हमारा 1956 से जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, 1961 आ जाएगा। फिर इसमें 5 साल जोड़िए तो 1961 से 1900 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आएगा बच्चों, 1966 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मत जोड़ देना क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना लगातार 5 साल ही चली थी, मगर इसके बाद हमारा कुछ पंचवर्षीय योजना के लिए थोड़ा ड्रॉप हो गया था। तो ड्रॉप हुआ तो आपको सिर्फ तीर हमारी ऐसी है जो हमारी लगातार चली थी। यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले 3 साल का हमारा ड्रॉप हो गया था, ये 3 साल हमारे जो हुए थे तो उसमें क्यों ड्रॉप हुआ उसको देखते हैं दोस्तों। जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन युद्ध हुआ 1962 ईस्वी में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में, भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो युद्ध हुआ 1965 में, और इसी पंचवर्षीय योजना 1966 में दोस्तों आ गया था अकाल, ठीक है, सूखा पड़ गया था। तो इस कारण ये 3 जो समस्याएं भारत के सामने आ गई ज़्यादा से ज़्यादा, इस कारण से ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्या हो गई, हमारी असफल हो गई। तो क्वेश्चन हमारा ये यहाँ से बनता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो समय से पहले, सॉरी, जो हमारी असफल हो गई थी, जो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो हमारी असफल हो गई थी। तो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो हमारी असफल हो गई थी, अगर इसका कारण पूछा जाए दोस्तों, तो कारण हमारा 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1966 में जो आकार पड़ गया था। तो इस कारण से ये पंचवर्षीय योजना हमारी क्या हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी, मतलब किसी भी प्रकार का ये उत्पाद नहीं दे पाई थी, और इसमें से जो लक्ष्य रखा गया था तो उसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर गैप कितना मिला, 3 साल का मिलेगा। आपसे पूछेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में 3 साल का ड्रॉप या 3 साल का गैपिंग थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3 साल का हमारा ड्रॉप हो गया पहली पंचवर्षीय योजना में। अब चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी जो आती है वो 1966 से नहीं आएगी दोस्तों, वो 1969 से आएगी, 1969 से 1974 तक जाएगी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। अगली जो 1974 से हमारी यहाँ पर आएगी, 1974 से 1978 होगी। हाँ दोस्तों, यहाँ पर 5 होनी चाहिए, मगर यहाँ पर 1 वर्ष पहले ही ये पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, ठीक है दोस्तों। जनता दल की हमारी सरकार आ गई थी और उसने क्या किया, इस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और एक न्यू पंचवर्षीय योजना के लिए प्लानिंग बना ली गई, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनेगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पर 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी है दोस्तों जो समय से पहले समाप्त हो गई थी, मतलब 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी उन्मूलन शब्द दिया गया था। आपसे पूछेगा गरीबी उन्मूलन शब्द किस पंचवर्षीय में दिए गए थे, तो गरीबी उन्मूलन शब्द हमारा किस में दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। और एक क्वेश्चन क्या कि समय के अनुसार या समय से पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी, तो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी, ठीक है। अब हमारा देखते हैं, बाद में हम डिफाइन करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। अगला हमारा जहाँ पर 1 साल ये और 1 साल और का हमारा ड्रॉप हो गया था बीच में, तो 2 साल का यहाँ पर ड्रॉप हुआ, तो अगला हमारा कितना आएगा दोस्तों, 1980 आ जाएगा। 1980 के बाद अगर जाएंगे तो 1900 हमारा कितना आएगा दोस्तों, 85 आ जाएगा। और इसके बाद 1900 अगला देखें, 7वीं पंचवर्षीय योजना, तो 1985 से कितना दोस्तों, 1990 हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्रम आपका हो गया, बट अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना को देखा जाए तो 2 साल का हमारा फिर से गैप हो जाएगा, 91 और 92, ठीक है, 91 और 92 में 2 साल का यहाँ गैप दोस्तों, 2 साल यहाँ गैप दोस्तों, और 3 साल हमारा यहाँ पर हो गया। अब आपको ट्रिक से बताते हैं, 3 2 2, तो अगर आपने यहाँ पर डेट का क्रम वाइज से याद कर लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अब 2 साल का गैप अगर देख लिया जाए तो हमारा अब क्या रहेगा, 92 आएगा ना, 1900
92 से 1997 और कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है इस समय जो हमारी है, वो हमारी 12वीं चल रही है ना और ख़त्म हो गई है अब तो देखा जाए तो हमारा है यहाँ पर 97 बाद आप 5-5 जोड़ते चले जाइए आपको पूरा अब रखने में दिक्कत नहीं होगी। 1997 से 2002 से 2007 2007 से 2012 और 2012 से 2000 कितना आ जाएगा 12-5-17। तो ये हमारी रही जो योजना की डेट थी। अब हमको यहाँ पर दोस्तों ये पढ़ना है कि ये पहली हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी और इसमें से ये इस पर किस पर बढ़ावा दिया गया था। ठीक है तो हम लोग देखते हैं अब हमको पढ़ना है कि ये पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी और किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी किसके लिए में बढ़ावा दिया गया। तो दोस्तों पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, अब दोस्तों आपको इन वर्ड में ध्यान देना है क्योंकि अब ट्रिक यहाँ पर लगेगी। पहली पंचवर्षीय योजना जिस मॉडल पर आधारित थी तो हमको यहाँ पर क्या लिखना है मॉडल। ठीक है किस मॉडल पर आधारित थी तो पहली हमारी जो पंचवर्षीय योजना आधारित थी या किस मॉडल पर आधारित थी वो थी हमारी हेरोल्ड डोमर मॉडल। किसमें थी दोस्तों हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है तो यहाँ पर देखना है कि कैसे याद रखेंगे तो इसके लिए अगर इसके दोस्तों लिखा है राल्ड अगर इसको लिख दें क्या राड लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं। और तो यहाँ पर दोस्तों राड तो राड जो होती है वो कैसी होती है एक ऐसी स्टिक की तरह होती है। ठीक है और ऐसी स्टिक की तरह होती है अगर राड किसी को मार दिया जाए तो क्या हो जाएगा वो मर जाएगा। राड अगर किसी को मार देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों मर जाएगा। ठीक है इसलिए क्या होगा ये सिंगल है और सिंगल एक राड हो गई तो सिंगल तो कैसे हो गई पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है तो हेराल्ड डोमर मॉडल हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित है। ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है उसको कैसे रटेंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो पीसी महल नोविस मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर पीसी महल नोविस को कैसे पढ़ेंगे इस पर देखते हैं। तो दोस्तों एक वर्ड यहाँ पर पकड़ते हैं पीसी। ठीक है और अगर पीसना है मान लो घर पे दोस्तों क्या होते हैं आपके वो जो मसाला से भूखते हैं मसाला पीसते हैं तो इसमें से एक ऐसा होता है जिसे बोलते हैं आप लोग सिलबट्टा या बोलते हैं होरसा। ठीक है जो वो बोलते हो तो उसको अगर पीसना होता है तो आप कैसे पकड़ते हैं ऐसे पकड़ते हैं दोनों हाथ से पकड़ते हैं। जब दोनों हाथ से पकड़ेंगे आप ऐसे ऐसे पीसेंगे तभी पीस पाएगा और ऐसे नहीं पीस पाएगा। ठीक है तो यहाँ पर दोनों हाथों का प्रयोग किया गया। अब जब दोनों हाथ को प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है मतलब पीसी और कैसे पीसी हाथ से पीसी। ठीक है इसलिए हमारी कैसी होगी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है याद हुआ होगा पहला था राड और राड हमारा सिंगल होता है तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरा हमारा क्या था पीसी और कैसे हाथ से तो हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी हम लोग देखते हैं कि तीसरी किस मॉडल पर आधारित है तो उसको भी देखते हैं। जो तीसरी हमारी पंचवर्षीय योजना में मॉडल है वो हमारा है सुखम दुखम। ठीक है क्या है सैंडी और सुखमय। दोस्तों सैंडी और सुखमय मॉडल पर आधारित है और इसको अगर देखा जाए ट्रिक से सुखम दुखम बोल सकते हैं। कैसा दोस्तों सुखम दुखम देखो सैंडी मीन्स होता है सैड मीन्स होता है दुखी। तो अगर दोस्तों अगर हम इसको एक ऐसे बनाते हैं और इसको अगर हम दुखी करें ये हमारे हो गए ठीक है टिंकू है मान लो। ठीक है तो अगर इनको अगर दुखी करना है दोस्तों तो ऐसे कर देते हैं दुखी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं चलो नहीं लग रहे हैं तो अभी आप कंपेयर करना कैसे लगेंगे। यहाँ पर है सुखमय तो सुखमय को अगर हम ऐसे बना दे रहे हैं ठीक है तो सुखमय को अगर ऐसे बना दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो आप बताइए कि आप कौन सा दुखी है कौन सा सुखी है। कौन सा सुखी है दोस्तों हमारा ये वाला सुखी है और ये हमारा दुखी है।
दोस्तों यहाँ पर सैंडी और सुखमय, ठीक है, एक दो तीन, तीन चीजों को मिलकर हमने बनाया है, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन से एक हमारा एक लड़के का मतलब निर्माण, या किसी प्रकार से कह सकते हैं एक बिंद मतलब तीन पॉइंटों से हमारा किसका निर्माण हुआ है, सुखमय और दुखमय का हुआ है, ठीक है। तो तीन से हुआ, तो तीन से क्या हुआ, तीसरा हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना। आई होप दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी राड होता है हमारा सिंगल, पीसी हाथ से पीसी दो, और इसको को शरण मजा सुखमय दुखमय, ठीक है, सुखम दुखम बनाया तीन हमारे पॉइंटों से लेके, तो तीसरा हमारा पॉइंट हो गया कौन सा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब दोस्तों देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर हमारी आधारित थी, किस मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरी हमारी थी डी आर गाडगिल, डी आर गाडगिल, डी आर गाडगिल। दोस्तों इसी प्रकार आप वीडियो में लगे रहिए, आपको और भी इसी ट्रिक मिलेंगे पूरे में, डी आर गाडगिल। तो गाडगिल को हम कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, जो एक यहाँ पर वर्ड निकालते हैं गॉड, और गॉड मीन्स होता है भगवान, ठीक है। तो आप बताइए जब भी आप अपने घर में पूजा कराते हैं या कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है तो किसका नाम लिया जाता है, गणेश भगवान का, ठीक है। तो गणेश भगवान को क्या होता है कि गणेश भगवान को आपने देखा होता है दो हाथ ऐसे होते हैं, दो हाथ ऐसे होते हैं, ठीक है। भगवान गणेश भगवान के हाथ में चार मतलब चार हाथ में अली हमेशा फोटो देखे होंगे, एक हाथ में लड्डू होंगे, एक हाथ में फरसा होगा, एक में फूल होगा, एक में आशीर्वाद होगा। तो मतलब जो भगवान थे गाड़, कौन से हमारे भगवान थे, हमारे गणेश भगवान, वो गील गील क्या खाते हैं, लड्डू खाते हैं, और हाथ कितने होते हैं चार, तो चार से कितने हो गया, चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना डी आर गाडगिल मदर पर आधारित थी। अब हमारे दोस्तों अगला देखते हैं पांचवी हमारी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो यहां पर डी पी धर मॉडल पर आधारित थी, डी पी धर मॉडल, ठीक है, डी पी धर मॉडल पर आधारित थी। इसको कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, तो डी पी धर को हम कैसे पढ़ेंगे, मान लो एक चोर था, ठीक है, और उस चोर ने चोरी किया और भागने लगा, किसको देखकर, पुलिस को देखकर, ठीक है। तो यहाँ पर डी पी कोई है हमारा, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, चोर को पकड़ रहे हैं, ठीक है, डी पी हमारे हैं, डीएसपी साहब मान लो, तो वो किसी को पकड़ रहे हैं, और कैसे पकड़ते हैं, दौड़ के धड़ 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 दौड़ते हैं धड़ धड़, और जब धड़ दौड़ते हैं, जब पकड़ने का प्रयास करते हैं उस चोर को, तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर सोचो दौड़ते दौड़ते तो ऐसे अगर पकड़ लिया जाए तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, हो सकता है आप गिर भी जाओ और वो आगे निकल जाएगा। इस कारण क्या होता है, उसको जैसे भी दौड़ोगे तो ऐसे आप पकड़ोगे, जब ऐसे पकड़ोगे तो उंगलियों में, हाथ में उंगली कितनी, पांच, ठीक है, पांच, और धड़ धड़ दौड़ रहा था, हमने पांचों उंगली से पकड़ लिया, तो पांच से हमारा क्या बन गया, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों यहाँ पर आपने पढ़ लिया राड, राड मतलब एक, पीसी हाथ से, और सैंडी सुखमय तीन वर्ड से, तीसरी पंचवर्षीय, डीपी गार्ड भगवान गणेश भगवान, चौथी धड़ धड़ दौड़ रहा था पंजे से पकड़ रहा था। तो ये दोस्तों हमारा हुआ क्या कि पंचवर्षीय योजना मॉडल, और आपने डेट सीखा। क्वेश्चन क्या बनेंगे हमारे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हमारा गैपिंग आया था, और इसके बाद हमारा कि पहली हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना में बढ़ावा जैसे कृषि को दिया गया था, ठीक है। दोस्तों आपसे पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया, तो कृषि को बढ़ावा दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया, तो औद्योगिक क्रांति को, औद्योगिक को बढ़ावा दिया गया। औद्योगिक में आपसे पूछेगा कि कौन से विदेशी कारखाना, कौन से विदेशी कारखाना हमारे दूसरे सहयोगों से मिलकर लगाए गए थे, तो हमारे दूसरी वाले हमारी इसमें लगाए गए थे कौन कौन से, बोरू भीरू दुबे और राज, ठीक है, बोरू भीरू दुबे राज। बोरू से मतलब बोकारो रूस के सहयोग से, भिलाई हमारी रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और राव जो हमारा रासिया क्या होगा दोस्तों, बोकारो भीरू भिलाई दुर्गापुर, और ये हमारा होगा राउरकेला, ठीक है, ये हमारा होगा राउरकेला, और राउरकेला हमारा जो लगेगा वो जर्मनी के सहयोग से लगा हुआ है, ठीक है, बोरू भीरू दुबे राज। तो ये हमारे क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना में गैपिंग हुई थी, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी, ठीक है।
अब हमारा जो बढ़ावा देना है इस ढेर सारे जैसे क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। और तो मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट भी जाना और वहाँ पर पंचवर्षीय योजना मैंने कॉपी में बताया था, तो कॉपी में आप वहाँ पर देख लेना ताकि आप समय का उपयोग कर लीजिए और उसमें देख लीजिए। मैंने दो वीडियो डाले हैं, एक मैं आपको रिटेन टाइप में है, आपको एक ट्रिक के रूप में है। आप दोस्तों मेरे वीडियो को ट्रिक वाले हो कोई भी हो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अच्छे वीडियो हैं। आप प्रयास करिए उनको पढ़ने का, जब इंटरेस्ट लेंगे पूरा पढ़ने का तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम जैसे ही होगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।